Yes, I came from Athani in Karnataka. It's in Belgaum district. Welcome back to the channel, guys. Today we have with us a car that's coming specially from Bangalore for a full paint. Now this car's paint has a lot of issues. It's become matte in a lot of places and not been maintained at all. So the client's requirement was very clear. He can't change the color of the car. But now he wanted to get a good car done because of Bangalore regulations and Karnataka regulations. Not very easy to change the color of the car. So we're going to be painting it in the same color. We're also going to be painting the alloys and the calipers to make it look a lot fresher. So now we'll show you the condition of the car that has come in. It's really bad. The paint is faded. It's got spots in a lot of places. So that's what we're going to be doing. The bumper is broken because they had a small accident in the front. So that's what we're going to be either repairing it or changing and putting a brand new bumper on the front. So let me show you the condition of the car right now, jo hai. Agar aap yahan ke dekho ye pass se, iska jo clear coat hai pura hi tarah se jal chuka hai. You can make out the finish difference. And you've got stains here and the clear coat is completely gone from this side. Ye kafi jagah hai gaadi pe. Aapko wo wale daraze pe bhi dikhate hain wahan pe kya hua hai. तो अगर आप दरवाजे को भी देखें यहाँ पे एक पैच मारा हुआ है. आई थिंक द कस्टमर ट्राई टू फिल इन पुट्टी एंड क्लियर कोट नहीं लगाए बिकॉज आपको एक सेक्शन नजर आएगा ये वाली गाड़ी पे किसी बुरी तरह से पेंट हुआ है. एंड यू गॉट रन डाउन ऑल्सो. अगर आप पास आके देखें आपको रन डाउन भी दिखेगा गाड़ी में. सो ये देखिए पूरी गाड़ी पे ऐसे पैचेज हैं. स्क्रैचेस तो है ही है पूरी गाड़ी पे बट वैसे बहुत पैचेज है गाड़ी पे. तो गाड़ी का पूरा जो फिनिश है कम्प्लीटली चले गए. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू करेक्ट राइट नाउ. एंड स्टेप बाई स्टेप विल शो यू वॉट आर वी गोइंग टू बी डूइंग. इसका इस गाड़ी पे रस्टिंग भी है आपको दिखाता हूँ. अगर आप पास आके देखो आपको रस्टिंग भी नजर आएगा. तो ये बॉडी में काफ़ी रस्ट भी है. तो इस गाड़ी पे बहुत सारा काम है. वी हैव टू गेट स्टार्टेड. वी आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन पैनल बाय पैनल. गाड़ी की फिनिश अभी आप देख ही सकते हो. एंड लुक फॉरवर्ड टू दी आफ्टर व्हेन वी डन विद दिस कार विल लुक कम्प्लीटली ब्रांड न्यू. अलॉयज भी फ्रेश लगेंगे जो अभी फिलहाल काफ़ी स्क्रैच हो चुके हैं. तो कस्टमर ने बोला मेरे को अलॉय नहीं चेंज कराने तो आप इनको ही रिपेयर करके फ्रेशली पेंट करके आप गाड़ी वापस करो. सो या लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप हाउ वी विल टेक दिस कार फ्रॉम हियर टू द फाइनल. तो गाइज अभी नेक्स्ट प्रोसेस जो चल रहा है गाड़ी डल कर रहे हैं हम. एंड वी गोइंग बी पेंटिंग द कार. वी ऑलरेडी पुट द पैनल्स बैक एंड वी गोइंग बी डूइंग अ लिटिल पर्ल फिनिश. ये वाली गाड़ी में थोड़ा अलग कर रहे हैं हम. द बेस कलर इज गोइंग बी द सेम बट वी एडिंग लिटिल बिट ऑफ पर्ल्स इन द पेंट. तो चलिए डल करिए आप. Guys, one of the next processes that we're going to be doing is the final painting of the car. जैसे आपने देखा we've already done the inner section जो अंदर का हो गया है पूरा. अब दरवाजा लगा के final paint हम करने वाले हैं इस गाड़ी को. एंड लास्ट इज वॉट वी गोइंग टू द पर्ल कोट जो हम एक्स्ट्रा करने वाले हैं वो आपको लास्ट में दिखाएंगे ये वाली गाड़ी में क्या स्पेशल होने वाले हैं. तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा फुल पेंट स्टेज. स्टेज है हमारा गाड़ी पेंट हो गई हमारी फुल. वी गोइंग टू बी पेंटिंग द अलॉयज इन ब्लैक कलर एंड द कैलिपर्स इन रेड ताकि एक कॉन्ट्रास्ट आए. सो द ब्लैक विल बी अ गुड कॉन्ट्रास्ट विद दिस कलर शिफ्ट कलर. ये है लिल पर्पल एंड ब्लूइश जो इसका बेस कलर था हमने उससे थोड़ा चेंज करके इसको पर्पलिश किया हुआ है. इसलिए हम अलॉयज ब्लैक करें एंड कैलिपर्स रेड ताकि एक स्पोर्टी लुक आए इस बलिनो को एंड इस बीए वाली बलिनो थोड़ी अलग लगे बाकी गाड़ियों से. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज पेंटिंग द अलॉयज ब्लैक. इसका ओरिजिनल जो कलर था वो था चारकोल ग्रे. उसको निकाल के वी गोइंग टू बी पेंटिंग इट ब्लैक व्हिच विल मेक द कार लुक वेरी वेरी डिफरेंट.